गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे तब और भी अच्छा करें। लेके ये पीरियड से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत फाड़ होने वाली है, क्योंकि बैठा है सामने मेरे बहुत हैंडसम सा बंदा। एरिक ज़रा कैमरा दिखाओ इधर करके। अबे यार लेकिन ये कर क्या रहा है, एक मिनट, ये कर क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही। कुछ समझ आ रहा है क्या? एक काम करते हैं, चलते हैं, देखते हैं, या वेट कर, मुझे ऐसा लगता है वेट करना चाहिए 2-3 मिनट, देख तो लूँ कर क्या रहा है। तो थोड़ा सा कैमरा दिखाना इधर करके कि कर क्या रहा है भाई। अबे यार ये क्या हो रहा है, मतलब पागल वागल तो नहीं है? खुद खा रहा है और सामने खिला रहा है किसी को, और इवन वहाँ पे कोई है ही नहीं। ये क्या चल रहा है भाई, वो बात कर रहा है किसी से? क्या मुझे जाना चाहिए उसके पास? अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं यार क्या कर रहा है बंदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं चल के देखते हैं, क्योंकि जाने के बाद ही पता चलेगा, मे बी उसको कोई हेल्प की जरूरत है या क्या है। चलते हैं रिस्क लेके, पता नहीं पहले भी वीडियोस में बहुत मार पड़ी है, एक बार चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं उस बंदे से बात करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी, यस कौन? आप किससे बात कर रहे हो? प्लीज कैन यू प्लीज गो फ्रॉम देयर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हूं। अबे यहाँ पे कोई नहीं है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप बात किससे कर रहे हो? खुद किसको केक खिला रहे हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एंड आप रो क्यों रहे हो? I talk to her. Please you can go. वो disturb हो रही है. Baby, it's okay. आप जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं एक मिनट में चली जाऊंगी, बट आप बात किससे करो मुझे समझ में नहीं आ रहा। Are you okay? I am okay. You are okay. Please go from there. पर यहाँ पे कोई है नहीं। She is there with me every time. मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाऊँ यहाँ पे, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। मैं अभी चली जाऊँगी पक्का, 3 मिनट में चली जाऊँगी। हाय रिट्स, कौन हो आप? मैं आपको ना काफ़ी टाइम से देख रही थी। हाँ। और तो आप कब से रो रहे हो, और मतलब किसी से बात कर रहे हो, बट यहाँ पे कोई है नहीं, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। हाँ तो फिर अकेले कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ, जहाँ जिसके ऊपर आप बैठ रही हो। वो देखो रो भी रही है, मना कर रही है। नहीं यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई नहीं है। शी इज विद मी एवरी टाइम। यार यहाँ पे कोई नहीं है, सीरियसली मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। आपको आप ठीक है, दिमाग कुछ आई एम ओके, आर यू ओके? बीमार हो? आर यू ओके? आई एम ओके, आई एम टोटली वेल, बट मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा था। सबसे पहले हम लोग यहीं मिले थे, पता है आपको? यहीं पे मिले थे, यहीं पे ही। मतलब कि मैं यहाँ पे डेली राउंड लगाना आता था एक्सरसाइज करने के बाद रात के टाइम। सो मैंने यहीं बैठ के उसको देखा था फर्स्ट टाइम, मैंने उससे बात करी, जाके अप्रोच करा था मैं उससे। बट ऐसा क्या हुआ कि आप अकेले बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हो और वो यहाँ है नहीं, और ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि वो आपके साथ में आया, जबकि आपको पता है ना वो आपके साथ में नहीं है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ मैं बैठी हूँ सामने आपके। क्या करूँ, आई डोंट हैव अ सिंगल चांस, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम पर। आई एम टोटली मैड। आप मुझे एज अ फ्रेंड शेयर कर सकते हो? वेरी बैडली, आई कांट आंसर, सॉरी। तो हम लोग यहीं मिला करते थे नॉर्मली, बातचीत हमारी होती थी। मैंने उसको एक दिन प्रपोज कर दिया, उसने हाँ बोल दिया था। मैं जॉब करता था नॉर्मली, मैंने अपनी फैमिली को जाके बोला, वो लोगों ने मेरे को, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। तो फिर मैरी, हाँ मैंने उससे शादी भी करी, घर वालों के खिलाफ जाके अपने शादी कर ली, क्योंकि मैंने वादा किया था। तो फैमिली ने मुझे निकाल दिया था, इसलिए वो लोग मेरे को सपोर्ट करने, उन लोगों ने बंद कर दिया। मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गया एक टाइम बाद जाकर। पहले हम लोगों का स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, उसके बाद जब मैं फाइनेंशियली वीक हो गया, तो जो मेरे साथ थी छोड़ दिया उसने आपको। उसने मुझे, मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका उन सब चीज़ों को। बहुत चीज़ ऐसी चीज़ हुई ना मेरे साथ लाइफ में, कभी ना जिंदगी में आज के बाद प्यार नहीं करेगा कोई इंसान, कभी प्यार नहीं करना चाहिए, सबसे गलत चीज़ है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे कभी प्यार होगा।
I really don't think so. But आपको पता है वो आपके साथ है भी नहीं, फिर आप अकेले सेलिब्रेट करके अपने आप को और दुख क्यों दे रहे हो? रहती थी मेरे साथ हर वक्त, यहाँ बैठ रहते थे, हमने स्टार्टिंग यहीं से करी है, हर एक एनिवर्सरी हमने साथ में मनाई है, 2 साल हम साथ में करी. प्लीज़ डोंट क्राई. देखो मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ. सेम यही चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, निकली हूँ डिप्रेशन को, उससे खुद को बाहर लेके आई हूँ. पर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती यार, फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है. फैमिली ही तो ठीक नहीं है. फैमिली अगर मुझे उस टाइम सपोर्ट करती, मुझे एक अच्छा राह दिखाती, बोलती कि ठीक है तू गलत है तब भी हम तेरा साथ देंगे, एटलीस्ट वो मुझे सपोर्ट तो करती, तो शायद मैं उसी टाइम, क्या बोलते हैं, उसी टाइम कुछ ऐसा गलत ना होता मुझसे, मेरे साथ. मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं लाइफ में, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें कि मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता. आई कांट टेल यू, मतलब आई एम फीलिंग वेरी वीक राइट नाउ. बट मैं क्या बोलते हैं उसके साथ सेलिब्रेट कर रहा था. तो फैमिली वाली देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग मिलके यार, तुम उनसे बात कर सकते हो, तुम उन्हें मना सकते हो कि बच्चों से ही तो गलती होती है यार, और मम्मी पापा हमेशा बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो चाहे जितनी बड़ी गलती करते हैं. चीज़ क्या है कि मेरे मम्मी पापा अपनी जगह पे ठीक हैं, दे आर राइट, वो लोगों ने मेरे को कभी मना नहीं करा, मैंने उनसे मिलवाया और दे आर वेरी हैप्पी टू मीट हर. बट मेरे भैया भाभी उन लोगों ने ठीक नहीं करा, उन लोगों ने मेरे को घर से निकाल दिया फॉर सम रीजंस कि मैं लिव इन रिलेशन में हूँ या मैंने शादी करी किसी और से. दैट तो आपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करी? वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों के पास इतना कुछ है नहीं कि वो लोग मुझे सपोर्ट कर सकते थे. भाई के साथ अभी वो रह रहे हैं, मतलब जो भी था बहुत गलत हुआ है. फिर मैं अकेला हूँ तो मैं बस अकेला अपनी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ऐसे करके बात करके. आपके और आपकी वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम्स आई? मेरे और उसके बीच में रिलेशन तब खराब होने स्टार्ट हुए जब पैसों की बात आने स्टार्ट हुई. पहले कभी ऐसा कुछ सीन नहीं था. जब मैं उससे मिलाता था, शी इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड आई सॉ. और मेरे को भी इसलिए उससे प्यार हुआ था यार, क्योंकि मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं अभी भी बहुत खुश हूँ. बट चीज़ें आप अभी खुश होते तो फिर अकेले क्यों बैठे होते, ये बताओ. मेरे को यार किसी के साथ बैठना है, किसी के साथ उठना अपना पसंद नहीं है. क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में ना सब लोग ना फेक हैं, कोई ना तुम्हारे लिए कभी भी स्टैंड नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता. जैसा मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आगे भी करता रहूँ. बट यार क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? नहीं यार, मैं ना अब ट्रस्ट कर नहीं सकता किसी भी. आई कांट ट्रस्ट एनीवन. सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड बट स्टिल मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता. शायद कल तुमसे मेरी थोड़ी अटैचमेंट होगा, तुम भी मुझे नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह ही छोड़ के चले जाओ तो मैं तो अभी अकेला ही हूँ ना, तो अकेला ही ठीक हूँ. नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह क्यों छोड़ के जाऊँगी? अगर हम अच्छे दोस्त हैं और आगे तक साथ रह सकते हैं तो हो सकता है मिलकर सोल्यूशन कर लें चीज़ों का. इन सब चीज़ों के लिए मैंने कभी सोचा नहीं और अभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपनी तन्हाई और अपने ठीक है उसके साथ जिसके साथ मैं हूँ यहाँ पर, जिसको फील कर रहा था, जिसके साथ था, हूँ, रहूंगा, उसको फील करके मैं बहुत खुश हूँ सच्ची. तो क्या हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं और साथ में रह सकते हैं और मिलके प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं यार? बट तुम्हें ना मुझसे एक वादा करना पड़ेगा. वादा कैसे? कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे. एज अ फ्रेंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी. देखो ज्यादा की कमिटमेंट कर नहीं सकती, लेकिन एज अ फ्रेंड मुझे बस एज अ फ्रेंड ही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को इस टाइम कोई चाहिए कि हाँ मुझसे बात करे, कोई मेरे साथ रहे कि मैं सारी चीज़ें उसे बता सकूं. क्योंकि ऐसे टाइम मैंने देखा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं था और मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं किसी को बता नहीं सकता था, मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था खड़ा हुआ. बट ट्रस्ट में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, प्रॉमिस. पक्का? पक्के वाला. थैंक यू सो मच. अब केक जिसके साथ काट रहे थे, अब नए दोस्त के साथ कट करोगे? यार श्योर यार, हमारी दोस्ती के नाम. हाँ श्योर. हैप्पी फ्रेंडशिप डे. हैप्पी फ्रेंडशिप डे. थैंक यू. सॉरी. एक हग अच्छे दोस्त वाली. या श्योर. जिंदगी बन गए हो हमेशा साथ हो बार. थैंक यू सो मच.
अब तुम्हें एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ. बताओ. बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए. एक्चुअली मेरा एक प्रैंक चैनल है यूट्यूब पे रिट्स धवन के नाम से, और मैं ना तुम्हारे साथ प्रैंक करने आई थी वहाँ से. ओह शिट नो. एक सेकंड, प्रैंक नहीं है ये, ट्रस्ट मी, ये प्रैंक नहीं था. करने प्रैंक आई थी, बट तुम्हें देखा ना तो सीरियसली मतलब मैं अपनी चीज़ों में चली गई, जैसे मेरे साथ जो सब हुआ. I'm so emotional person, यार. मतलब तुम मेरे साथ ऐसे प्रैंक कर रही थी इतने देर से. प्रैंक नहीं कर रही थी, मैंने बोला ना लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ कि ये मेरी लाइफ की बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये प्रैंक नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैंक करने आई थी, बट तुम्हें देखा तो तुम्हारी चीज़ों में एकदम इतना चली गई मैं डीपली, बहुत ज़्यादा मैं भी इमोशनल हो गई. तो सामने कैमरा लगा हुआ है आपको. oh, no. हम एज अ फ्रेंड हमेशा साथ रहेंगे. हम जो मैंने प्रॉमिस किया है वो बस एक कैप्चर करना चाहती थी, अच्छे वाले मोमेंट्स. अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे नहीं अपलोड होगी. बट नहीं यार, ठीक है, तुमने आके मुझसे बात करी, अब ठीक है. अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होगी तो डेफिनेटली तुमने मेरे को फ्रेंड बोला था, फ्रेंड रहूँगी, बिल्कुल हमेशा रहूँगी. और अब तो पिंकी वाला प्रॉमिस भी कर लिया, ये वाला तो सामने हाई कर दो. हाय. कोई दिक्कत तो नहीं आपको यूट्यूब पे क्लिप चाहिए, आपकी स्टोरी आपकी सबके सामने जाए, सब देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं. इससे लोगों को सीख भी मिलेगी कि यार लड़कियां बहुत हद तक आज के टाइम में ना कैसी हो गई है कि सामने वाली की लाइफ कैसे स्पॉइल कर देती है, और खुशी से ज़िंदगी कैसे यार चलती है उनकी सीरियसली, और बिल्कुल भी सामने वाले बंदे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती. तो नफरत है मुझे ऐसी लड़कियों से. प्लीज़ सबके बारे में सोचो थोड़ा सा. कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर अपलोड कर दे. थैंक यू सो मच. कोई और इस वीडियो के थ्रू मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, जो मुझे एक्चुअली मुझे भी जो मुझे समझ सकता है और जिसे मैं समझ सकती हूँ. तो बेस्ट वीडियो होने वाली है. एग्जैक्टली, मुझे भी. थैंक यू सो मच. यहाँ पे शायद तुम आई इसलिए बस. थैंक यू. तुम मेरे साथ आओ, चलते हैं कहीं. श्योर.